जमीन पे सो रहे हो इसलिए पीठ में दर्द हो रहा है? दर्द पीठ में, दांत में नहीं, तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, चुपचाप सो जाओ। इतना एटीट्यूड है, दर्द है लेकिन मानोगे नहीं। अरे चुप करो यार। सुपर हीरो कहेंगे? मैं लगा देती हूँ। मेरे पास भी दो हाथ है और ऊपर वाले के सब तक सलामत है, मैं खुद लगा लूंगा। लेटे रहो बस। मैंने कहा ना, हर बात पे जिद नहीं चलती है। जस्ट बी क्वाइट। बस 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 हो गया, सो जाओ चुपचाप। थैंक यू ईशिता। हाँ थैंक यू, लो सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपको मारने आई हूँ? आपके सिर्फ पीठ दबा रही हूँ, गला नहीं। तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा है ना। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प यू। अरे तो क्या पूजा करूँ तुम्हारी? मैंने कहा था मदद करो। मत करो यार, माफ करो, हो जाओ यार। कैसे हो शी, गंदा आदमी। इतना सब हो गया लेकिन कभी मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। नो सॉरी, नो थैंक्स, नो मैनर्स एट ऑल। अरे चुप। रावण कुमार, क्या कर रही हो? हैप्पी होली टू यू टू। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपके लिए नहीं आई हूँ यहाँ, मीका ने बुलाया मुझे। और रूही को बहुत मन था आपसे मिलने का, तो मैं थोड़ा फर्जी क्या है। रूही, अरे मैं आपको शबू के पास छोड़ के आई थी ना, अकेले क्यों आए? हाँ, पर मैंने पापा को देखा और मैं भाग के आ गई। ओ, आप भी आए हो। पापा मैं आपको कलर लगाऊं?
जा कलर ले। हैप्पी होली बेटा। पापा अब आप ईशिमा को कलर लगाओ और ईशिमा आपको कलर लगाएंगी और फिर बोलो हैप्पी होली। रहने दो ना बेटा। प्लीज प्लीज जल्दी करो। क्या है रुई? मैं आपसे कटती हूँ। क्यों अब क्या हो गया? आपने ईशिमा के साथ इतना फाइट किया, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही और ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे आपके साथ होली खेलनी थी तो मैंने जिद की ना, उसके लिए आपने उनको इतना डांटा। मेरी जिद से ही सब प्रॉब्लम होती है। अगर आपके डांट से ईशिमा मुझे छोड़कर चली गई तो कोई कहीं नहीं जा रहा है। आपको कैसे पता? सब लोग तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, शगुन मम्मा भी, आदि भैया भी। वो लोग तुम्हें छोड़कर नहीं गए रुई, लोग मुझे छोड़कर गए। पापा से नाराज है ना? तो फिर ईशिमा भी आपसे ही नाराज है। नहीं रुई, ईशिमा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे प्यार की खातिर वो मेरा गुस्सा भी सह लेगी। ऐसा नहीं होता बुद्धू पापा, आपको उन्हें मनाना होगा। मैं उसे नहीं मनाने वाला। मैंने बोला ना आपको उन्हें मनाना होगा, बस फाइनल। और उनको गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट? उफ़ पापा, आपको कोई बात समझ में नहीं आती? हम लड़कियां हैं ना, हमको गिफ्ट से कोई भी मना सकता है। जितना बड़ा झगड़ा हो उतना ही बड़ा गिफ्ट। ईशिमा भी गर्ल है ना पापा, तो उनको भी गिफ्ट चाहिए। आपको उन्हें गिफ्ट देकर ये बताना होगा कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। पापा आपको इतना भी नहीं पता? हम सबको गिफ्ट अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये बताओ क्या गिफ्ट देनी चाहिए? सोचो सोचो। ठीक बात बताओ कि तुम पापा की बेटी हो या पापा की दादी। तो पहले आप प्रॉमिस करो गिफ्ट लाना है बस। नहीं, आज से पापा रूही का प्रॉमिस अलग होगा। प्रॉमिस। लेकिन एक बात बताओ, आज तो होली है, सारी दुकानें बंद होंगी,
तो क्या रूही पापा से कल तक नाराज रहेगी? पहले आप गिफ्ट तो लाओ, फिर सोचूंगी। गिफ्ट झांसी की रानी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। क्या दूं उसको? पापा आज के दिन भी नहीं आए। पापा आए थे, पता है क्या हुआ? पापा बहुत लेट हो गए हमेशा की तरह, तो पापा को पनिशमेंट मिली। उनको पीछे वाली रो में बैठाया एकदम अंधेरे में, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा। सच्ची? पर वो कहाँ है? वो गाड़ी निकालने गए है क्या? पापा की ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो पापा ने कहा कि रूही को मैं घर लेके जाऊँ और पापा आपसे घर में मिलेंगे। लेकिन पापा ने रूही के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला मैसेज दिया है। क्या? वो ये कि सारे बच्चों में हमारी रूही बेस्ट थी। तो पापा की तरफ से एक हाई फाइव। चलो रूही, अब सोए नहीं अभी तक। ईशिमा आज तो मैं यहाँ आऊंगी। अरे पापा और ईशिमा के साथ। रूही आपका कमरा तो जैसे टीवी में लोग सोते हैं, मम्मा पापा और बेबी। ये देखो मैं तो सो भी गई, मेरे आँख बंद भी है। अरे पर रूही मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मेरे पाँव क्यों बांध रही हो तुम? ईशिमा कहती है कि आप रात में फुटबॉल प्लेयर की तरह किक करते हो, इसलिए। ईशिमा ने कहा मैं किक मारता फुटबॉल। ईशिमा अभी हम सेफ रहेंगे, चलो ईशिमा चलो ना। नो बेटा। चलो ईशिमा चलो। ईशिमा ये देखो पापा मैं ईशिमा तीनों एक लाइन में, चलो आप मुझे चाहते हो। और पापा को भी उड़ाओ वरना तो उनको खांसी लग जाएगी।
अपने आप को समझती क्या हो? हाँ मैं, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं स्कूल आने वाला था, लेकिन फिर भी तुमने वेट नहीं किया, रूही को लेकर वहां से चली गई। बड़े भाषण झाड़ती हो ना कि मुझे अच्छा बाप बनना चाहिए, बेटी से प्यार करना चाहिए, और जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो क्या किया तुमने, मेरी बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही है। मैं कौन सी पट्टी पढ़ा रही हूँ? शट अप, अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें रूही की फिक्र है, बाकी सब पागल हैं? और तुमने आज भी रूही से यही कहा होगा कि पापा कितने बुरे हैं, पापा आए नहीं, और देखो मैं मदर इंडिया कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो, अपने आप चीजें हो जाती हैं। सच जानती हो, मैं वहां आया था, मैंने रूही की स्पीच सुनी और ये तक जानता हूँ कि वो स्पीच तुमने तैयार की थी। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि जो असलियत है वो सच नहीं है। मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है ना, इसलिए तुम्हारा खुराफाती दिमाग चलता है, ये उल्टे सीधे खेल खेलती हो तुम। मैं और प्लानिंग्स आप करते हैं, घटिया वाली। ऐसी सोच मेरी नहीं है। क्या किया अपने भीका के साथ में? देखा, सेल्फ सेंटर्ड मतलब ही। फिर अपनी बहन पर आ गई। मैं यहाँ तुम्हारी बहन की नहीं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, समझी? मुझे भीका के बारे में बात करनी है क्योंकि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऋषा को उसके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रखना, क्या सोच रहे थे आप? और वहाँ मिली उसको आप इतना फोर्स? मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, समझी तुम? मीर ने खुद तुमसे कहा था, और याद रखना मैं अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो मुझे करना है, वही करते आया हूँ और वही करते रहूंगा। आई डोंट केयर। यू आर डिस्गस्टिंग। आप चाहते हो कि हर कोई बस आप ही की बातें सुने, आपकी बातों को बस फॉलो करता रहे अंधा होके। बट यू आर मैनरलेस, यू आर फीलिंगलेस, और आपकी बातों को कोई सुने ही क्यों? जवाब दो। I love you, Ishita. I love you. I love you. बंध गए ये बंधन, बंध गए ये बंधन, एक हुए दो दिल, सज गई ये महफिल। How is this possible? रमन निशिता के साथ इस तरह बीच रास्ते पे? I don't believe this. ओए रोहित पुत्र, वो बालकोनी में की कर रही है, भीग जाएगी पुत्र, अंदर आ जा। दादी, मैं आ रही हूँ। वही मुझे छूने की, how dare you? ओ हेलो, तुम्हें छूने का शौक नहीं है मुझे? रूही ऊपर से देख रही थी। रबिश, पुरानी आदत भाग तो मानोगी नहीं, ऐसी भीगती रही ना तो बीमार पड़ जाओगी। चलो चलो। ये सब क्या नाटक चल रहा है? रमन निशिता के साथ प्यार करता है? रमन किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकता।
किसी और के साथ नहीं।